है, बच्चे यहाँ से जाते हैं, विद्यालय स्तर से जाते हैं चुनकर, जिला स्तर तक कुछ होता है, एक आध दो बच्चे कहीं सिलेक्शन में जाते हैं, फिर आगे जाने के बाद वो बच्चा शिथिल हो जाता है। जहाँ तक हमें पता है सर, हमें प्रैक्टिस करने की भी जगह नहीं मिलती है। बहुत तरह का असर पड़ता है, यहाँ खेल का माहौल नहीं है, कुश्ती के लिए जो मैट होता है, मैट युक्त खड़ा होता है वो भी नहीं है, कुश्ती का हॉल होता है वो भी नहीं है, प्रशासन अभी तक उपलब्ध भी नहीं करा पाई। क्या औरंगाबाद जिले से प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा निकली है? उसका एक परिणाम मैं हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे मेरा चौथा स्थान रहा है और बिहार में मैं लगातार 5 बार चैंपियन रह चुका हूँ जूनियर का। जिला स्तर पे सर शॉर्ट पुट में मिला है, मैं तीन चार साल लगातार चैंपियन हूँ यहाँ की शॉर्ट पुट में, और सर कबड्डी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मैं मगध यूनिवर्सिटी में भी हैमर थ्रो में भी सेकंड प्लेस लाई हूँ। रेसलिंग करता हूँ, कुश्ती खेलता हूँ अपने ज़िले से। तो ये बताइए, कुश्ती आप कितने दिन से खेल रहे हैं? सर मेरा 4 बरस हो गया, मैं 2012 से रेसलिंग से हूँ, जो स्टेट चैंपियन में मेडल आया, लगातार मेडल स्टेट चैंपियन से मैं दे रहा हूँ जिला के लिए। तो जो आपका मेडल मिला, कितने दिन पहले मेडल मिला था, कब मिला था? मेडल 2012 में मिला, 2013 में भी मिला, 2014 में मिला, 2015 में मिला, 2016 में भी मिला, 17 के सर इसलिए भी चैंपियनशिप बाकी है। मैंने अभी स्टेट चैंपियनशिप जीता है, उसके मैंने 10 दिन पहले से बस प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब हम अदर डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाते हैं उस समय अच्छी व्यवस्था देखते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को, लोग हमसे पूछते हैं कि आप प्लेयर बन के आए हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या ये सारी व्यवस्था है, तो सर उस समय थोड़ा बहुत अपने आप में गलत सा फील होता है, फिर उन लोग को बोलते हैं कि व्यवस्था तो नहीं है फिर भी हम अच्छा करते हैं। यहाँ जो स्टेडियम है वो कहीं चार दीवारी टूटा हुआ है, गेट का स्थिति खराब है, टूटा हुआ भी है, और उसका सही समय पर मेंटेनेंस नहीं होता। स्टेडियम तो है लेकिन वह केवल खाना पूर्ति है, वहाँ पे जाइए तो बच्चे के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन बहुत सा विद्यालय है जहाँ पर आपको इक्विपमेंट नहीं है। हमने यहाँ पे हमारे जो डीएम सर, हमने उनसे बात भी करी, लेकिन उन्होंने बस हमें बस इतना बोला कि हाँ हम करवा देंगे, उससे पहले भी बात किया था लेकिन वो हमेशा बस यही बोलते हैं कि हाँ करवा देंगे, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा है, लोग आते हैं लेकिन घोषणा होती है लेकिन निर्माण नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मतलब अच्छे प्लेयर हैं किसी भी गेम के, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए उनके लिए, मतलब यहाँ के जो डीएम वगैरह पदाधिकारी वगैरह उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए एक गेम का फील्ड देना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं मिल पाता है।